वेलकम बैक टू नोर वीडियो। और वीडियो में बात करने वाले हैं इस तरह की एनिमी वीडियो कैसे बनाएं। जी हाँ गाइस, इस तरह की एनिमी वीडियो आपने जरूर देखी होगी एंड ये जो है ना भाई बहुत तेजी से वायरल होती है। यहाँ पर मैं आपको इस पेज पर जाकर दिखा देता हूँ। इस पेज पर सिर्फ और सिर्फ 38 यानी कि 38 वीडियो है एंड यहाँ पर आप व्यूज चेक कर सकते हो भाई। इस बंदे के मिलियंस में व्यूज है, ठीक है। यानी कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है एंड लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे बंदों को ये चीज़ बनाना या फिर इस तरह की वीडियो बनाना मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर हम नहीं बना पाएंगे। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये सब जो है ना भाई AI के थ्रू बनाई जाती है। वो आपको बनानी कैसे है सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो को सोचे लेकर एंड तक देखना। और आगे अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताएं हमारे इस चैनल पर बहुत जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं इसको बैक कर देता हूं। तो गाइस यहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा या फिर आप डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आ सकते हो। जैसे आप इंस्टाग्राम पर आ जाओगे उसके बाद आपको सिंपली प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक कर दोगे, प्रोफाइल पर आने के बाद यहां पर आपको मेरा ब्रॉडकास्ट नंबर मिलेगा। आपको सिंपली इसमें जाना है एंड यहां पर मैंने इस सर्वर का या फिर आप बोल सकते हो इस टूल का लिंक दे दिया है, ठीक है। आप जिस इस पे क्लिक करोगे उसके बाद यहां पर आपके सामने लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पे। आपको यहां से डिस्कॉर्ड ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देखते हो यहां पर ये इंस्टॉल हो चुका है। आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखिए अगर आपने ऑलरेडी डिस्कॉर्ड चला रखा है तो अच्छी बात है। अगर आपने ऑलरेडी नहीं चला रखा है, आपने पहले से नहीं चला रखा है तो यहां पर आपको करना क्या है भाई, आपको सिंपली इसमें रजिस्टर करना होगा, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए आपको करना क्या है भाई, आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आप रजिस्टर फोन नंबर से भी कर सकते हो, ईमेल से भी कर सकते हो। तो गाइस यहां पर मैं फोन नंबर से करने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर आपको अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, फिर कंट्री को सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको इंडिया सर्च करना है। जैसे आप इंडिया यहां पर सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको अपना नंबर डाल देना है। तो चलिए यहां पर मैं जल्दी से अपना नंबर डाल देता हूं। आपका जो भी नंबर होगा आप अपना नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए यहां पर आपको ऊपर की तरफ जो भी इमेज दिखाई देती है यहां पर आपको वही सिलेक्ट करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ यहां पर जो है ना ये घर है, ठीक है, या घर टाइम मतलब जो भी है आपको वही सिलेक्ट करना है नीचे की तरफ भी, ठीक है। मैंने यहां पर सिलेक्ट कर दिया। वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो अब आपके नंबर पर जो भी आपने नंबर डाला होगा उस पर एक OTP जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहां पर हमने OTP भी डाल दिया। उसके बाद यहां पर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अब यहां पर आपको अपना यूजर नेम कोई भी सिलेक्ट लेना है, फिर ऑलरेडी यहां पर ये आपका यूजर नेम सेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको एक पासवर्ड बनाना होता है, कोई भी आप स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने पासवर्ड भी बना लिया। अब यहां पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कुछ भी ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर दी। कंफर्म कर देंगे, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है इतना काम करने के बाद। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे अलाउ कर देंगे। अब यहां पर आपका डिस्कॉर्ड में अकाउंट बन गया है, ठीक है। अब यहां पर आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहां पर आपको ऊपर की तरफ यहां पर फिर से स्किप का ऑप्शन मिलेगा, स्किप कर देंगे। इसको भी आपको स्किप कर देना है। आपको मतलब फालतू चीजें नहीं करनी है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो बनाना चाहते हो, ठीक है। यहां पर मैं कर देता हूं स्किप। अगर आप चाहो यहां पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगा सकते हो। एंड उसके बाद यहां पर आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको एक्सेप्ट इनवाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए यहां पर आपसे पूछता है कि आखिर मतलब आप किस तरह की वीडियो मतलब जो भी आप करना चाहते हो। तो आपको करने के भाई आपको सिंपली टू जनरेट AI आर्ट, ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद आप अगर 18+ हो तो यहां पर आपको 18+ कर देना है एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद इसको स्किप कर देना है। स्किप भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहां पर आपको स्किप करने का भी ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है एंड यहां पर आपको एग्री एंड फिनिश कर देना है। जैसे आप ये कर देंगे अब यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको करने के भाई आपको सबसे ऊपर की तरफ बैक का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड यहां पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देंगे अब यहां पर आपका अकाउंट भी रेडी है एंड टूल भी रेडी है, ठीक है। अब आपको वीडियो बनानी कैसे है चलिए वो जानते हैं। अब यहां पर आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जनरेट 1, जनरेट 2, जनरेट 3, काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं जनरेट वीडियो 2 पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। अगर आप चाहो आप भी इसी पे क्लिक कर सकते हो। आपको सिंपली मैसेज में टाइप करना है स्लैश, ठीक है, स्लैश ये होता है। फिर उसके बाद यहां पर आपको वीडियो लिखना है। जैसे आप वीडियो लिख देंगे उसके बाद यहां पर जैसे आप स्लैश एंड वीडियो लिखेंगे उसके बाद यहां पर ऊपर की तरफ आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला है वीडियो, दूसरा है प्रॉम्प्ट। तो आपको सिंपली वीडियो पे क्लिक करना है। जैसे आप वीडियो पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको अलाउ करना है, परमिशन देनी है गैलरी की एंड यहां से गैलरी से आपको कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आप बनाना चाहते हो इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। अब आपको वो वीडियो कहां से मिलेगी जो आप मतलब कार्टून में बदलना चाहते हो। भाई आप इंस्टाग्राम पर जो भी आपको लगता है कि भाई कोई लड़की डांस कर रही है या फिर मतलब कोई भी मतलब इस तरह का मीम्स पेज है या फिर जिस भी तरह की आप बनाना चाहते हो खुद की बना सकते हो, ठीक है। खुद की बनाने के बाद आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको उसको डायरेक्टली सेंड नहीं करना है, आपको यहां पर लिखना है कन्वर्ट टू एनिमी,
ठीक है, सी ओ एन वी ई आर टी, फिर उसके बाद स्पेस देंगे टू, फिर उसके बाद एनिमी, एनिमी आप ए एन आई एम ई, ठीक है ये कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड कर देंगे उसके बाद यहाँ पर लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आखिर आप कितने सेकंड की वीडियो बनाना चाहते हो। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 सेकंड की वीडियो फ्री है, एंड साथ ही यहाँ पर जो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड की अगर आप ये भी फ्री बनाना चाहते हो तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहां पर मैं आपको 3 सेकंड की बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां पर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहता है, आपको मतलब यहां से कुछ ज्यादा सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली ऊपर की तरफ एनिमे स्टाइल पे क्लिक करना है, एंड यहां से आपको जिस भी स्टाइल में कार्टून चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जापानी एनिमे स्टाइल में, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। एंड उसके बाद यहां पर आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, अब यहां पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको मतलब वेट कितना करना है, देखिए यहां पर आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना है। एंड यहां पर आपको वीडियो कहां पर मिलेगी, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे आप यहां पर 2 से 3 मिनट का वेट कर लेंगे, जैसे आपके मतलब 2 से 3 मिनट हो जाएंगे, काफी सारे बंदे जो है ना यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यहां पर वीडियो तो बनी नहीं, भाई बंदे ने वो बना दे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहां पर चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, आपको सिंपली जनरेट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। आपको सिंपली ऊपर की तरफ इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको ऊपर की तरफ 5 ऑप्शन मिलते हैं, मेंबर्स, मीडिया, पिंस, ठीक है। तो आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली मीडिया पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आप देखिए भाई, जितने भी लोग इस टूल के मदद से एआई वीडियो जनरेट कर रहे हैं, फिर कार्टून की वीडियो बना रहे हैं, वो सब यहां पर जो है ना रेडी होकर आ रही है, ठीक है। आप उनकी वीडियो देख सकते हो, साथ ही यहां पर आपकी भी वीडियो यहीं पर बनकर आएगी। अगर आपकी वीडियो यहां पर आपको नहीं दिखाई देती तो आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली इसको बैक करना है। जैसे आप इसको बैक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। अब भाई मुझे वेट करते करते लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब यहां पर हम जनरेट वीडियो 2 पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहीं पर आपकी वीडियो मिलती है। अब आपको सिंपली मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक कर देंगे, अब यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है। एंड यहां पर आप देख सकते हो, ये रही हमारी वीडियो ओरिजिनल। एंड यहां पर ये वाली जो वीडियो है ना, ये कार्टून में चेंज होकर कन्वर्ट होकर आ चुकी है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, यहां पर जो है हमारी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, इस तरह की मतलब वीडियो कुछ दिखाई दे रही है। अब आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, आपको सिंपली इसी वीडियो पर क्लिक करना है। एंड आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। एंड यहां पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इसको सेव कर लेना है। एंड उसके बाद आप जहां पर चाहो भाई, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप चाहो इसको अपलोड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डॉक्टर तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।